तो नेक्स्ट टॉपिक क्लास मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी, मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। अगर कोई बॉडी चल रही है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना हो, चलती हुई बॉडी का मोशन कैसे होगा वो देखना आपको भी। क्या पॉसिबल है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर हो? सोच के देख लो क्या बोल रहा हूँ। क्या पॉसिबल है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर हो? यस और नो? रिंग देखिए, कड़ा देखा है? कड़े की सिर्फ बाउंड्रीज होती हैं। अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? सेंटर पे होता है। सेंटर कहाँ पे है? बाहर है बॉडी से भी। जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो, बॉडी के अंदर हो, बाहर भी हो सकता है। तो लिखिए भाई, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या था भाई? सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल्स, मैंने लास्ट टाइम किया था, कुछ याद है? इसको मैंने आर से लिखा था भाई। आर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं, इट इज 1/m समेशन आई फ्रॉम 1 to n एम आई आर आई। चेक करो भाई क्या यही था? अरे हमें अंदर ले जाओ, कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, नीचे लिख दो डिवाइड में, क्या प्रॉब्लम था? यस सर नो? यहाँ पे लिखा था एम आई, लिखा था मैंने एम आई। व्हाट इज एम आई? एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सोन, इट इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी। मैंने इसको कैपिटल एम लिख दिया, कन्फ्यूज नहीं होना भाई। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो काट के एम आई, यही था सेंटर ऑफ मास। एम आई क्या है? ये एडिशन था मासेज का, वन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सोन, इट इज टोटल मास ऑफ द बॉडी। इसको कैपिटल एम ले लेते हैं, यानी मैं लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस सोन, कहाँ तक जाएगा? n थे एम एन तक। तो बाहर निकाल लीजिएगा, r इज इक्वल टू 1/m समेसन एम आई आर आई, आई फ्रॉम 1 to n, आई फ्रॉम 1 to n। यह यहाँ तक हुआ था अभी टॉपिक ये। यस और नो? फिर जो वैल्यूज हैं क्या इनको इंडिविजुअल ओपन कर सकता हूँ? इंडिविजुअल ओपन करो, कैसे करोगे? इस एम को यहां पे ले जाऊं भाई, यस और नो? इसलिए लिखता हूं एम आर इज इक्वल टू, यहां पे कैसे लिखूं? एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू, वैक्टर वगैरह नहीं देते, फैक्ट्री होते हैं वैसे तो सारे, कर लोगे एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस सोन, कहाँ तक जाएगा? एम एन आर एन। डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी, यहाँ पर देख ले भाई, डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दें इसका? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, करना आता है? एम डी आर बाई डी टी लिख सकता हूँ, डी आर बाई डी टी, इसको इज इक्वल टू एम वन डी आर वन बाई डी टी। आपको पता है कि डिफरेंशिएशन हर एक का होता है भाई, यू प्लस वी प्लस एंड सोन, कर लोगे प्लस एम टू डी आर टू बाई डी टी प्लस सोन भी, कहाँ तक जाएगा? एम एन डी आर एन बाई डी टी। मैंने वेक्टर लिखे दिए, मर्जी तुम्हारी, देखो सारे पे लिख दो फिर, कर लोगे? अगर आपको टॉपिक याद है ना, तो डी आर वन बाई डी टी कुछ था अभी, क्या था ये? ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल था अभी, द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, याद है कि नहीं है? ये सेकंड का था, ये थर्ड का था एंड सोन भाई। व्हाट इज आर? इट इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास भी। तो ये क्या बनेगा? ये एम वी बनेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको सी एम लिख दूँ, सी ओ एम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सिंपल कैपिटल वी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख दिया भाई। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू एंड सोन एम एन वी एन। मैंने किसको किसको क्या लिखा है? मैंने वेलोसिटी को क्या लिखा? सिंपल इनको डी आर बाई डी को क्या लिखा? वेलोसिटी की टर्म में डाला हुआ है। तो वी क्या है? वी है वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी मास चल रहा है भाई, सीधी सी बात है, वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर ऑफ ए मास। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसका एक बार और डेरिवेटिव करो तो लिख लीजिए, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन ये लिख दिया भाई, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करो, कितना आएगा? मास तो अभी भी कांस्टेंट है, डी वी बाई डी टी, यस और नो? एम वन डी वी वन बाई डी टी, कुछ टॉपिक में कर रहे हैं कि नहीं, बस नोटिंग की कर रहे हैं यहाँ पे, यस और नो? तुम तो अभी नहीं कर रहे है ना? ठीक है, व्हाट इज डी वी बाई डी टी? ये एक्सेलरेशन है अभी, इसको ले सकता हूँ एम ए, व्हाट इज ए? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सब कुछ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आएगी सेंटर ऑफ मास की, आ रहा है, वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सब कुछ तो है, तो सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? मोशन में है भाई, यस और नो? तो इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू, वी आर एन एम एन ए एन इज ए क्या भाई? लिखिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ ए मास, सेंटर ऑफ मास की सब कुछ है भाई, डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, पक्की बात है, सेंटर ऑफ मास क्या करता है? चलता भी है भाई, कर लोगे? हमने एग्जांपल आपको दिया ना, व्हील चलता, देखिए आपका गाड़ी का पहिए का साइकिल का व्हील चल रहा है भाई, इसका सेंटर मास कहाँ पे होगा? बीच में होगा, अगर ये चल रही है ना, सेंटर मास डायरेक्शन ये होती है भाई, इट इज वी, ये भी ये वी होगा, और यहीं पे क्या होगा? एक्सेलरेशन भी होगा इस तरफ से, ऐसे जाता है पहिया, ऐसे घूम रहा है, और सेंटर मास की डायरेक्शन क्या है? स्ट्रेट, ऐसे कर लोगे ये मोशन में होता है भाई। अगर इस चौक में ऊपर उछाल दूँ हवा में, तो सेंटर मास भी क्या करता है? हवा में चलता है भाई, ऐसे समझ में आई बात है? अब एक एग्जांपल है, आपने देखा होगा ना, वो रॉकेट उड़ाते हैं हम लोग दिवाली के ऊपर, और ऊपर जा रहा है और वो फट गया ऊपर जाके, अब उसको सेंटर मास क्या कर रहा है? अभी भी है हवा में उसका सेंटर मास, अब वो क्या हो गया? उसके पार्टिकल बिखर गए हैं, इट एन पार्टिकल सिस्टम भी, तो कहीं तो होगा सेंटर मास उसका, तो कहाँ पर हो सकता है? हवा में भी हो सकता है, समझ में आ रहा? इट बिकेम एन पार्टिकल सिस्टम भी, सभी का मास एम वन एम टू, डिस्टेंस आर वन आर टू, तो कहीं तो आर मिलेगा आपको, किस में? अभी भी वो मोशन में, कर लोगे? दिस इज द सेंटर ऑफ मास इन मोशन भी, सिंपल है, कुछ करने के लिए है नहीं इसमें। फोर्स कितना होगा इसके ऊपर? फोर्स सिंपल, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन भाई, कुछ है नहीं करने के लिए, सारी चीजें वही हैं, समझ में आ रहा है? मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल भी, लीनियर मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम भी। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, वाला आगे ना चल पड़ी, लीनियर मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम भी, मोमेंटम पता ना? yes, तो वही करना है, कुछ अलग नहीं है, तो क्या लिखोगे? लिख लीजिए, वी हैव एन पार्टिकल्स, वी हैव एन पार्टिकल्स ऑफ मास, मास अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। We have n particles of mass, मैं अलग ले रहा हूँ, m1, m2, m3 and so on, mn, m1, m2, m3 up to mn, having position vector, having position vector, कौन कौन से होते हैं भाई? r1, r2, r3, rn, okay?
याद है? हमने पहले दो के लिए किया, फिर हमने एन के लिए किया था। सब कुछ निकालना है इनके लिए भाई, फोर्स से ले गया, वेलोसिटी से ले गए, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ कर लोगे। फिर हमने किया कि याद है ना आपको, वेलोसिटी निकाली थी। वेलोसिटी ऑफ वी वन कितना था कुछ याद हो तो? डी आर वन बाई डी टी था, कुछ याद है कि नहीं है? वी टू कितना था? डी आर टू बाई डी टी एंड सोन। तो वी एन कितना था? डी आर एन बाई डी टी। हमको निकालना है मोमेंटम भाई ऑफ एन पार्टिकल, जोड़ देते हैं सभी को। तो पहले का मोमेंटम कितना होगा, फर्स्ट का? टोटल मोमेंटम कैसे निकालते हैं? टोटल मोमेंटम को पी ले लूँ, सभी के मोमेंटम को जोड़ देते हैं, पी वन प्लस पी टू प्लस सोन भाई प्लस पी एन। तो फर्स्ट का मोमेंटम कितना होगा, इसका कितना होगा भाई पूरे का? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। टोटल मास कितना? M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। इसको M ले लूँ भाई, कैपिटल M। M क्या है? M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन प्लस Mn। ये है टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो एम वी, वी क्या है? वी क्या है? व्हाट इज वी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तो इंक्लूड, ये तो ये आएगा मैन, पूरी बॉडी चल रही है तो वही इसी की काउंट करेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के। कर लोगे? ये क्या है फर्स्ट वाला? एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू एंड सो ऑन एम एन वी एन। ये सर नो सही है कि नहीं है? कुछ अलग नहीं है चीज़ें, सारी वही हैं पुरानी वाली। कर लोगे? yes, इसको इंटरम ऑफ समेशन लिख सकते हो? लिख दो भाई, कितना आएगा? इंटरम ऑफ समेशन एम वी इज इक्वल टू कैसे भाई? समेशन एम आई वी आई। सही लिखा है? yes, ये वन है तो ये भी वन है भाई, ये टू है तो ये भी टू है। yes, ये सर ना हो तो ये आई है तो ये भी आई होगा। तो आई फ्रॉम वन से लेके एन तक, इट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द एन पार्टिकल सिस्टम भी। इसका ये एन पार्टिकल सिस्टम भी सही है? यस सर नो। अगर हम ये बोल दें कि बाहर से कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर भी, देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो मोमेंटम क्या होगा? इतना हो गया, लिख लीजिए। If there is no external force, if there is no external force, याद है दो तरह के फोर्स थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल तो पहले जीरो हो चुका था, यस और नो? हमने क्या बोल दिया अभी? If there is no external force, अगर आपको न्यूटन सेकेंड ला याद हो, क्या था न्यूटन सेकेंड ला? ये F proportional to क्या होता है? dp by dt। यस और नो? डी पी बाई डी टी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एफ जीरो है, एफ इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियस है भाई डी पी बाई डी टी भी जीरो होगा। yes, ये जीरो तो ये भी जीरो, yes, तो जीरो हो सकता है। डी पी बाई डी टी कितना है? जीरो। अब डेरिवेटिव जीरो कब होता है किसी का भी? कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव जीरो होता है, यानी सीधी सी बात है, मेरा पी क्या है यहाँ पे? कॉन्स्टेंट। अभी पी क्या है? कॉन्स्टेंट। ये है कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम भी। क्या बोलता है? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। समझ में आई कि नहीं आई भी? अगर फोर्स से अपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, मेरा मोमेंटम क्या रहेगा? मैं ऐसा मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा अभी। कर लोगे? यानी अगर बॉडी पर बाहर से फोर्स ना लगे तो एम वी यानी ये पूरी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कर पाओगे? दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। मैंने कुछ अलग नहीं करवाया, सारी चीज़ें वही हैं पुरानी भी। अब किस में कर रहे हैं? सिर्फ एन में कर रहे हैं, पर इतना ही फर्क है। कर लोगे? ये वी क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है भाई, याद रखिए इस बात को। कर लोगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। सिंपल टॉपिक जो आपने पढ़ा अब तक पढ़ा है ना, वो सारा किस में करना है? एन में करना है मेरे को भी।
उसके लिए क्या करना, सिर्फ एक चीज़ ये डाल रहे हैं हम लोग, मिशन डाल रहे हैं उसके लिए। इतना फर्क तो आ रहा है टॉपिक में, पहले एक के लिए था तो क्या था, P इज इक्वल टू क्या लिखा हम लोगों ने, मास इनटू वेलोसिटी लिखा था। और दो के लिए तो ऐड करना पड़ेगा भाई, तीन के लिए ऐड करना पड़ेगा, ऐड के लिए क्या क्या डाल दिया, समेशन डाल दिया, कुछ अलग नहीं किया, सिंपल टॉपिक है बिल्कुल। कर लोगे? नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अभी। मुश्किल है क्या? टॉपिक डालिएगा, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। What is displacement भी क्लास? देखो उसके अंदर बॉडी चली थी स्ट्रेट लाइन में भी, याद है? डिस्प्लेसमेंट क्या थी? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट भाई, यस और नो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या भाई? एंगुलर वर्ड जब भी आएगा मतलब बॉडी घूम रही है भाई, रोटेशन मोशन कर रही है। कर लोगे? ये बॉडी घूम रही है ऐसे इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है? अब ये घूम के यहाँ पे चली गई इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, उसने क्या किया, कुछ एंगल बना लिया पहले के साथ में, ये थीटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इस थीटा को? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा से दिखा जाता है, ध्यान रखिए क्लास, अलग तरह की मोशन पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, इट इज रोटेशनल मोशन भाई, ये सिंपल वाला नहीं है जब पढ़ते हैं अब तक भी, तो कुछ अलग चीज़ें हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट डालिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो लिखिए इट इज द एंगल ट्रेस बाय द, इट इज द एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर, एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर, रेडियस के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है अभी, ठीक है, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई कि नहीं आई? क्या आप देखिए, एक होता सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी, क्या थी? इनिशियल से फाइनल का दूरी भाई, यस और नो? तो इसमें इनिशियल पॉइंट कौन सा? ए है। फाइनल पॉइंट कौन सा? बी है। तो कुछ तो हम भी चले होंगे, इट इज एक्स, एक्स सही है। एक्स क्या है? ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो आप पढ़ते हुए एक्स अभी अब तक पढ़ते आए हैं, इसमें एक्स क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे को बताओ कि एंगल कैसे निकालते हैं अभी? थीटा इज इक्वल टू कैसे निकलता है? ये होता है लेंथ ऑफ द आर्क बाई रेडियस, याद है? एंगल निकालने का तरीका लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, कितना लेंथ ऑफ आर्क कितना है? एक्स। और रेडियस कितना है? आर ले लेता हूँ स्मॉल इसको। कर लोगे? यस और नो? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स भी? इट इज आर थीटा भी। कितनी है? आर थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कर लोगे? इसके बीच में रिलेशन है ये, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों आएंगी, देखेंगे क्या फर्क है भाई दोनों में, दोनों मोशन तो हैं। एक कौन सा मोशन है? स्ट्रेट लाइन में है। अब किस में है? रोटेशनल में है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या होंगी इसकी भाई? यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होंगी क्लास, बता सकते हो? किसको मान रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? थीटा को मान रहे हैं, एंगल को। एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है भाई। क्या होती है? रेडियन, आर ए डी लिखते हैं इसको, याद है कि नहीं है? यूनिट क्या होंगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? रेडियन। कर पाओगे? डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला चेक करो। थीटा ये रहा, व्हाट इज एक्स? डिस्टेंस है। व्हाट इज आर? डिस्टेंस है। एम जीरो है,
L यहाँ पे L1 जीरो हो गया, T जीरो है होता ही नहीं है, क्या लिखोगे? M0 L0 T0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने अगर याद हो फर्स्ट यूनिट के अंदर 7 तो थी फंडामेंटल यूनिट, 2 थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी, उसमें एंगल भी था सप्लीमेंट्री में। ये अलग क्यों था? क्योंकि इनके डायमेंशन नहीं होते भाई, उन सातों के डायमेंशन थे। 7 थी फंडामेंटल, 2 थी सप्लीमेंट्री, एंगल के डायमेंशन नहीं होते भी। कर लोगे? हो जाएगा। पहला पॉइंट पूरा हो गया, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट डालिएगा एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट है भैया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी देखिए क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। इसको एक वर्ड से लिखते हैं हम, ओमेगा। सुना है नाम? डब्लू जैसा होता है, ओमेगा। अलग है अभी, थोड़ा अलग हो रहा है टॉपिक पहले वालों से। समझ में आ रहा? नाम अलग आ रहे हैं, सिंबल अलग आ रहे हैं, चीज़ वही है सारी। वहाँ पे सिंपल में था, अभी किस में है? रोटेशनल में है, फर्क इतना ही है। अगर आपको याद हो वेलोसिटी क्या थी, सिंपल वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यही वही वही होगा यहाँ पे भी। तो लिख लीजिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो व्हाट इज ओमेगा? चेंज इन वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या दीदी? इट इज थीटा, यस और नो? यही था ना, दिस इज अ फार्मूला भाई। यूनिट क्या होंगी क्लास बता सकते हैं? मेरे यूनिट क्या होंगी इसकी? यूनिट ऑफ ओमेगा। एंगल की क्या होती है? रेडियन। और टाइम की? सेकंड। तो क्या लिखोगे? रेडियन पर सेकंड। सही है, रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? इसका होता ही नहीं है, बच गया टाइम, इसका तो होता है भाई। तो क्या लिखोगे? M0 L0 T-1 ऊपर जाएगा तो T-1। सही है कि नहीं है? रिलेशन क्या होगा सिंपल वेलोसिटी में और इसमें? तो लिख लीजिए लेट v क्या है भाई, अब तक पढ़ते आए हैं, ये है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी सही है। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। इससे पहले टॉपिक में मैंने कुछ वैल्यू निकाली थी थीटा की भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? कुछ याद है? इट इज x/r था। थीटा कितना था? x/r। यहाँ पे यूज करना भाई, तो पुटिंग द वैल्यूज। ओमेगा कितना आएगा भाई? d/dt। थीटा कितना है? x/r। सही लिखा है कि नहीं? आर क्या है? रेडियस। वो तो कांस्टेंट होता है भाई, उसको बाहर निकाल सकते हैं डेरिवेटिव से। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/r dx/dt। सही लिखा है कि नहीं? व्हाट इज dx/dt? ये वेलोसिटी होती है सिंपल वाली। कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। यस और नो? तो व्हाट इज ओमेगा? इट इज v/r। तो व्हाट इज वी? वी कितना होगा? इट इज ओमेगा आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। भी कर पाओगे? सिंपल टॉपिक है, जो भी हमने अब तक पढ़ा हुआ है सारा किसमें करना? हमको भी रोटेशनल में करना और एन पार्टिकल के लिए करना। अभी समझ में आया? बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं, बुक ले लो भाई।